हाँ जी जी वेलकम जी वेलकम साड़ी नवी वीडियो दे विच। उम्मीद है तुसी सारे बेहतरीन और अच्छी जिंदगी गुजार रहे होवोगे, सेहतां तबीतां तुहाडियां बेहतरीन होणगियां और रब दी रहमतां नूं तुसी दोनों हत्थां नाल लुट रहे होवोगे। लो जी बादशाह फाइनली साडियां लकड़ियां जो है वो पहुँच गई हैं इधर। हाँ जी और फ्रेम हमारा ये पड़ा है, एक फ्रेम वो है, अब इसको जो है कनेक्ट करेंगे और जो फ्रंट और बैक साइड का फ्रेम होगा वो भी हम जो है अभी लाग लगा लेते हैं। वो नीचे पड़ा है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि यार ये मेरी जो मुर्गियां हैं ना, ये दिन ब दिन हो रही थी काम, ये मेरी 25 मुर्गियां थी और मैंने ये छोटे से चूज़े ले के माशाल्लाह से जो है ना पाले थे। इनके माँ बाप भी मेरे घर के थे, वो ये मैंने निकलवाए थे इनको वेटर के अंदर। और मैंने कहा यार ये जो हैं अब माशाल्लाह से 25 चूज़े थे मेरे, 25 चूज़े इतने इतने बड़े हो गए थे, ठीक है। और जब मैंने इनको ये छत पे शिफ्ट किया है तो ये काम होने शुरू हो गए यार, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बर्ड्स की मेरी जो फुल कोशिश होती है वो यही होती है कि उसकी केयर की जाए और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और उसकी ब्रीड लेके उसकी नस्ल अफजाइश की जाए, ठीक है। और मेरा जो बेसिक मकसद है इस चैनल को बनाने का, आप तक ये सब कुछ पहुंचाने का, कि यार आप लोग भी इस चीज़ से सीखें, आप लोगों को भी पता चले कि हाँ यार इसके अंदर अर्निंग भी है और आपकी सेहत भी है, ठीक है। ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी आपको इसके अंदर अगर आप घर के अंदर ये सारा कुछ करते हैं, इंशाल्लाह आपके शौक को इसको बढ़ाएंगे भी और सब कुछ दिखाएंगे भी इंशाल्लाह, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी वीडियो के अंदर। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें और कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी कोई चीज़ सजेशन देने चाहें हमें तो कमेंट करके लाजमी बताएं यार, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो पिजन का केज है वो बन गया हुआ है, मैं आपको अभी उसकी भी अपडेट दे देता हूँ। और बाकी जो है अब नए पिजन लेके आने हैं वो सजेशन दीजिए कि कौन से वाले ला के रखूँ यार। मेरा तो दिल है कि वो वाले रखें वो जो दूर दूर निकल जाते हैं, ठीक है, यानी कि जिनको कहते हैं रेसर पिजन, रेसर होम और पिजन गालबन यही कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए आज के दिन में, देखते हैं कि क्या कुछ नया होता है और क्या क्या हमसे जो काम है वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं। लो जी पहलवान जी साढ़ा एक केज हो गया रेडी, ठीक है। ये नसी लिया के छड़ांगे कबूतर, ठीक है। अब हम जाएंगे दुकान पे, शॉप वाले से देखेंगे कोई अच्छे से दो चार कबूतर और फिर वो ला के छोड़ेंगे हम इसके अंदर। ये देखें ये हमारा केज हो गया रेडी, ठीक है। और इसको हम आप शिफ्ट करेंगे सबसे ऊपर वाली छत पे और इसमें ला के हम छोड़ेंगे कबूतर अच्छे अच्छे से। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किस कलर के ज़्यादातर कबूतर रखे जाएँ, कलरफुल से हो ना, ज़रा मज़ेदार से हैं, ठीक है। दो चार जोड़े इसके अंदर ला के छोड़ते हैं। लो तो बाबा जी अब फाइनली इन फ्रेम को मैं जोड़ने लगा हूँ, ठीक है। तो इनकी जो है टॉप रूफ पे जो इसकी लगनी है फटी हैं, ठीक है, वो भी मैं अभी जो है ना आपके पास शेयर करते हैं इंशाल्लाह। और बाकी मुर्गियों को दाना पानी डाल दिया, ठीक है, अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह, बाकी सब फिट फाट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आ गया, वो आ गया और अब चलते हैं हम इसको जोड़ने के लिए।
लो जी पहलवान जी, अब इसकी छत लग गई है। ठीक है, इतना सा रह गया फ्रेम, यानी कि जो ऊपर की छत लगने वाली है। ठीक है, और ये अभी मैं इसके दो फ्रेम है इधर उधर वाले, एक उस साइड वाला एक इस साइड वाला, ये खोल के एक इधर लग जाएगा एक इधर लग जाएगा। ठीक है, और अभी जो है थोड़ी सी भूख लगी है खाना खाने, उसके बाद आ गया इंशाल्लाह इसको फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। देखो जी पहलवान जी, हमारा मुर्गा ये जो है इस वक्त बड़ा जो है ना मिस कर रहा है अपनी मुर्गियों को। ठीक है, ये सारे इधर टैंकी के साथ जमा हो जाते हैं, लेकिन चले वो असल में इनको छाँव नहीं ना मिल रही, ऊपर सारा धूप ही धूप है, मौसम देखो कैसा हो रहा है, आसमान ही आसमान है। ठीक है, और धूप बड़ी तेज़ हो रही है। ठीक है, तो बाकी अल्लाह ख्याल रखे, इंशाल्लाह जल्दी हमारे कबूतर भी आ जाएंगे, पिजन्स भी आ जाएंगे, और मुर्गियां भी इंशाल्लाह यहाँ पे सेटल हो जाएंगी, और फिर सर्दियों में इनके आएंगे रहेंगे गर्म अंडे। सर्दियों में आप सोच रहे होंगे कि ये तो आर पार सब कुछ यानी कि जाली का फ्रेम है, लेकिन ये सर्दियों में जो है ना ऐसे ढांप लूँगा इसको मैं कपड़े के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह ये आप साथ रहेंगे, इंशाल्लाह देखते रहेंगे, नई नई अपडेट्स आती रहेंगी हमारी, क्योंकि अब ठान लिया है यूट्यूब पे चैनल बन गया, तो वो इसको अब कंटिन्यू लेके चलना है, आप लोगों के साथ लेके चलना है इंशाल्लाह।